के जिनको हम मानते हैं वो पहुंचे और बहुत ज्यादा खुशी का माहौल। दोस्तों आज अपने यहाँ पर जिनको हम अपना भगवान का दर्जा देते हैं वो हमारे सामने प्रकट हुए हैं और मेरे पिताजी अपने फोसाब के पिताजी हमारे एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन श्रीमान मंद्रुपाराम जी पलसानिया जिनको मैं बचपन से अपने भगवान का दर्जा हमने दिया है वो लोग आज अपने ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित है। अरे खुश हो सब। इस बार अपने माँ बाप से यह वादा करके आया है कि 2024 की भर्ती के अंदर वो वर्दी लेके आएगा, एक बार दिल से जोरदार तालियां। तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आज के इस दौड़ प्रोग्राम में आपने जो जोश दिखाया वाकई बहुत ही शानदार आपकी दौड़, जिसमें आपने 4:30 तक भी कई बच्चों ने कवर किया। बधाई हो आपको आपके इस जोश के लिए और मुझे उम्मीद है आज जिस उद्देश्य से आप दौड़े हैं और जो आपका उद्देश्य है उसमें आप सफल होंगे। बहुत अच्छा लगा और और मेरे सभी फौजी भाइयों को सबसे पहले प्यार दुलार, और आप यहाँ आए जो बाहर से आए हुए उनको भी विशेष तौर पे मैं दिल से आभारी हूँ कि वो यहाँ आए। तो अपने तो साथी यही है, मैं इनके लिए स्पेशली कल ही आया हूँ और आज की मंडे टाइमिंग के लिए आया था क्योंकि अभी TA भर्ती भी आने वाली है, जोधपुर भर्ती भी आने वाली है, झुंझुनू भर्ती भी आने वाली है। तो एक क्या होता है कि बच्चों में थोड़ा जज्बा होना चाहिए, तो आज वो आपको ग्राउंड में देखने को मिला ही था। तो मैंने ये सपना 5 साल पहले पाला था, तो सपने के बीच में कहीं रुकावटें आती है, कई ऑब्स्टिकल आते हैं, पर उन ऑब्स्टिकलों से घबराना नहीं है कि जब सपना देख लिया तो सपना देख लिया, तो उसको पूरा करने के लिए चाहे आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल आए, चाहे कोई भी परेशानी आए किसी भी साइड से, आपको कुछ परेशानी आए पर झुकना नहीं है। एक मेहनत एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहे ना तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, आपके जो किस्मत में लिखा हुआ है आपके हार्ड वर्क को कोई छीन नहीं सकता। कोशिश कर सकता हो बट छीन नहीं सकता, वो आज आपने यहाँ प्रूफ किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ और ये तो अपनी एक शुरुआत है, शुरुआत है। पिछली बार 57 सिलेक्शन देके रिकॉर्ड बनाया था, इस बार महा रिकॉर्ड, मैं पिछली बार भी बोल के गया था इस बार भी 100+ सिलेक्शन। बहुत बढ़िया भाई, दिल से तालियां।
100+ सिलेक्शन अगर इस एकेडमी ने इस 2024 भर्ती में ना दिया हो तो आप वीडियो में मैं बोलूंगा, उस वीडियो में जो बोलना है बोल देना, 100+ सिलेक्शन इट मीन्स हार्ड वर्क। अगर हार्ड वर्क आपके दिलो दिमाग और आपने ग्राउंड पे किया है तो आपकी सफलता को आज तक कोई नहीं रोक सका है, पूरी कायनात लग जाएगी आपको सक्सेस करने के लिए। तो मेरा एक ही कहना है, अपने घर वालों ने आपको यहाँ भेजा है, आप छोटे भाइयों आपसे एक ये कि अपने घर वाले इतने रुपए वाले नहीं हैं, सब मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनका एक रुपया जाया नहीं होना चाहिए। यहाँ आप जितने दिन रहो, जितने दिन ग्राउंड में आए, तो आपके लिए वो ये होना चाहिए मेरे आज ये फर्स्ट दिन और लास्ट दिन है, इतना ग्राउंड को देना है, तो आपको ग्राउंड पक्का देगा, भगवान भी आपके साथ रहेगा हर चीज़ में। तो आप टारगेट अपना एक एम बनाओ और आपको सक्सेस होने से इस चीज़ में कोई भी नहीं रोक सकता, पूरी कायनात आपके साथ है। ठीक है, बेस्ट विशेष फ्यूचर फॉर यू। जिनको मैं भगवान से भी ज़्यादा मानता हूँ और भगवान के बराबर दर्जा देता हूँ, मेरे पापा जी। और पापा जी अब थे बच्चन, यहाँ को एक आशीर्वाद दे दो कि आपने सामने जितना भी बैठे सारा का सारा ही भर्ती में फौजी बढ़ जाए, नाम रोशन हो जाए, आपने एकेडमी को नाम रोशन हो जाए, आपने ग्रुप को नाम रोशन हो जाए, बच्चा सारा सिलेक्ट हो जाए। देखो भाई, एक किसान परिवार से हूँ और किसान का बेटा हूँ, और पापा जी आज तक घर से बाहर कभी निकले नहीं है, खेती का काम किया है। और रात को 2 बजे मैं पहले जयपुर गया हुआ था, जयपुर से 2 बजे पहुंचा, 2 बजे पहुंच के रात को मोटरसाइकिल लेके गया, कॉल किया तो बोला मैं नहीं आऊंगा, खेत का काम है, मूंग गड़ा करा मैं बड़ है, लेकिन फिर भी मोटरसाइकिलों जार ले रहे हो, मुझे सुबह सर्कस आगे फसा पहुंचा देसी हूँ, एक बार थे 2 घंटा को टाइम काट रहे, आ जाओ। मैं खुद तो बहुत मन मन को देखती हूँ, शायद आप बच्चे देख रहे आपको जी सर उठोलो के अत्ता फौजी, आपने सर के द्वारा निर्देशन में, फौज साहब के निर्देशन में आपने एकेडमी चला है, बैठो अत्ता फौजी तैयार हो रहा है, बहुत बढ़िया हो जी सर है। और आपने फौज साहब का पिताजी जो आपने टाइम टाइम पर एकेडमी कमाए आर, और हर 2-4-5 दिन आप लोग भी सब जानता हो, देखता रहे हो, हर एक चीज के बारे में आपने लिए हर एक सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करे और बच्चों में बातचीत करे, तो थोड़ा सो कोई जीव सराली सी बात बच्चों के लिए बहुत बढ़िया भाई, देख के ताली हमारे। रामुता डेरा कहाँ है? फौजी चलो रहने फौजी आए, ये देखो फोटो रहा, एक हिस्सा स्टार्ट कर दिया है, 5-6 तो हो गए, उस शो में से एक फौजी ये भी है, अपना ऑर्डिनेंस में लगा है। चमकता सितारा जो आज आप लोगों के सामने किस प्रकार से अपनी खुशबू महका रहा है, अरे फौजी को देख के अपने आप के अंदर